आईसी के आईसी रिपेयरिंग करने में कौन कौन से हमारे औजार लगते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे इसमें, जो कंपलसरी हैं दोस्तों। और आपको एक एक सामान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है रखने के लिए, जो कंपलसरी है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट नंबर तो हमारे पास ये कटर होना चाहिए, जिसको हम अपने मदरबोर्ड में जो हमारा ये फैनल लगा होता है इसको काटने के लिए। वैसे आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप हीट गन से ब्लोअर से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों हीटिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है, चाइना का बोर्ड जो हल्का रहता है तो उसकी वजह से हो सकता है डेड हो जाए आपका शर्ट। और दूसरा नंबर दोस्तों ये हमारे पास एक स्टेंसिल होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का, ये मेरा माउक का है, यूनिवर्सल है, तो इससे ज़्यादातर मेरे 70% काम इसी से हो जाते हैं दोस्तों। और आईसी को रिवाल करने के लिए दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा पीपीडी पेस्ट, जो मैं अच्छे कंपनी का और यूज़ करता हूँ मैकेनिक का है, ठीक है। ये आपको मार्केट में 180 रुपीज़ तक मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों फिर ये हमारा है एक ये चिमटी दोस्तों, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि हम जब कोई आईसी को रिबॉल करते हैं तो उसको हम उस पर आईसी को नीचे रख के, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आईसी को यहाँ पे रखने के बाद जब हम उसको पीपीडी अप्लाई करते हैं इसमें, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखने में हमारे लिए ये बहुत अच्छा वर्क में आता है। और दोस्तों ये हमारा जो है ये इसको हम पीपीडी को लेंगे और जब इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पे इसे पुश करके लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो गया यूनिवर्सल। और एक अच्छा सा एक ये भी चाहिए हमारा, कोई जम्फरिंग का है, कोई सप्लाई वगैरह ब्रेक है तो उसको हम फिर से क्लीन करके जम्फर वगैरह लगाने के लिए उसको सप्लाई को फिर से क्लियर करेंगे। और लाइन क्लियर करने के लिए हमारा ये ब्लेड जो है ये बहुत अच्छा वर्क में आता है। और ये भी एक चिमटी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई आईसी निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए चिमटी से अगर इसको पकड़ के हम निकालेंगे तो हमारा इससे बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से निकलता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि कोई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं आप 500-600 या 600 या 700 का भी चिमटी लें तभी आपका काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है मेरे पास दोस्तों सब लो ही रेंज का है, कोई ऐसा वो नहीं। और एक ये भी होना ज़रूरी है दोस्तों, ये अगर मान लो सेटअप पे माइक्रोस्कोप पे बैठ के अगर आईसी लगा रहे हैं तो हमारा जो इसमें चिमटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार आईसी रख दी उसके बाद धीरे से आप इस पर हल्का सा पुश करके इसे इधर उधर करके आप इसको लगा सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। और दोस्तों ये तो पता ही होगा ये हमारा जैसे कोई पेस्टर्ड आईसी है ग्लू कटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे एक ब्लेड आता है ग्लू कटिंग के लिए, उसको आप लगा के बाद में इसको पेस्टर्ड आईसी को उठाने के लिए इसे इसको लगाना पड़ता है, ये भी दोस्तों कंपलसरी। बाकी आप आईसी को निकालते समय दोस्तों आप ये पेस्ट यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, मार्केट में 25-30 रुपये का अवेलेबल है, मिल जाता है। ये एमटेक का है दोस्तों, ये उतना खास नहीं बोल सकता मैं, लेकिन है अच्छा ही है ये भी, ठीक है। और आईसी इसी से लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आप कोई कॉस्टली पेस्ट लें, उसी से आपका काम होगा। और दोस्तों आईसी के जो पॉइंट्स रहते हैं उसको डिसोल्डर करने के लिए, जैसे ये गुड वेक का आता है एक दोस्तों, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ही कंपलसरी ये ही खरीदिए, आपको इससे लो कॉस्ट में मिल जाता है, अगर उसमें क्वालिटी अच्छी दिख रही है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं पहले ये यूज करता था, इसका भी रिजल्ट अच्छा था, ये 15-20 रुपए का मिलता था, ये भी अच्छा है, ठीक है। और उसके लिए दोस्तों और ये प्रांगा तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं मान लीजिए। और ये एक चीज़ ये दोस्तों है यूवी ग्लू, ये जो हमारी कोई लाइन वगैरह जब मिस हो जाती है तो उसको हम जम्फर करके उसको यूवी ग्लू बॉक्स के द्वारा हम उसको प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि हमारा सप्लाई जो है शॉर्ट ना हो, ब्रेक ना हो या दोबारा निकले ना। और दोस्तों एक चीज़ और है मेरे पास मैकेनिक का, ये एक बिट है, इसको हम दोस्तों यूज में लेते हैं, किस यूज़ में लेते हैं, जो मेरे पास टूल है जो मैं जिस पर काम करता हूँ सब इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में कमेंट किया था किसी भाई ने कि सर
कौन कौन से टूल से आप काम करते हैं, अपना टूल दिखाइए। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो फ्लेक्सिबल ये जो पत्ते होते हैं सर, ये इसको हम अपने किसी भी नॉर्मल का ही हो, कोई भी हो, जैसे ये भी हो सकता है जो आपके पास है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैकेनिक का हो। वैसे दोस्तों है मेरे पास मैकेनिक का, प्रेजेंट में है ये, लेकिन इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मेरा काम उसी से हो जाता है। तो उसमें आप लगा के इसको यहाँ पे रख के आप ऐसे इसको ईजिली बहुत आसानी से इसको आप निकाल के फिर वापस लगा सकते हैं, आपका ये कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, दोस्तों ये जो मेरा हेड गन है दोस्तों, मैं यही यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है 857, और मैं ज़्यादा कॉस्टली दोस्तों यूज़ नहीं करता, मैं इसी पे काम करता हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक ये है मैकेनिक का चार्जर, i6M करके है, मैं इसी को यूज करता हूँ। और एक है नॉर्मल वाला जो ये माइक्रो जम्पर के लिए ये आयरन है हाइको का, ये भी यूज करता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा काम ज़्यादातर इसी से हो जाता है, कोई मतलब वो नहीं। और दोस्तों ये मेरा एक मल्टीमीटर है, मैं इस मल्टीमीटर का यूज करता हूँ, मार्क्स टच का है, ये भी अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब। और दोस्तों मेरे पास ये नॉर्मल एक पीसीबी होल्डर है, मैं इसी से काम करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप दोस्तों कि आप कॉस्टली लें तभी आपका काम होगा, आप इस पर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज हमने आपको अपने जिस जो चीज़ मैं अपने रिपेयरिंग में यूज करता हूँ, जितने हमारे पास औजार है सबको मैं आपका वीडियो दिखाया हूँ। फिर दोस्तों आईसी पे जो भी काम रहेगा प्रैक्टिकली जो मैं करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, कैसे इससे यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग कोई भी हो। अगर आपका कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे पास ये सेट है इसका कैसे क्या सॉल्व होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें।